हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्विंकल नी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये आलू पफ। ये आसानी से हम अच्छे से घर पे बना सकते हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। आज हम आलू पैटी पफ बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है। उसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब देख सकते हो इस तरह से क्रम्बल जैसा बना लेना है। उसके बाद पूरी जैसा आटा गूंद लेना है। अब देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेना है। अब देख सकते हो हमारा आटा गूंद के तैयार है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए हमारा आटा। अब इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जब तक हमने आटे को रेस्ट के लिए रखा है तब तक आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। दो से 3 बड़े चम्मच हमें बटर लेना है। ये 3 बड़े चम्मच मैंने बटर ले लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और साइड में रख लेना है। अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। आलू पेटी का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू में हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अकॉर्डिंग और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें ये उबले हुए मटर डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच काट के हरा धनिया डाल देते हैं। आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हो। अभी मैंने फ्रेश मटर को बॉईल करके ले लिया है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला मिक्स होकर तैयार है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। 1/2 घंटा हो गया है।
अब इसे थोड़ा ऑयल लगाकर 2 मिनट के लिए इसको फिर से मसल लेते हैं। दो मिनट मसलने के बाद इसकी छोटे छोटे लोइया काट लेंगे। ये लोइया काट कर हमने तैयार कर ली। अब थोड़ा सूखा मैदा लेकर हमें इसे बेल लेना है। इस तरह से सूखा आटा लेकर पतला पतला बेल लेना है। इस तरह से पतला पतला बेल लेना है। इस तरह से पतला बेल लेना है, आप देख सकते हो। बेल कर एक प्लेट में रख लेना है और इसी तरह से सारी आटे की लोइयों को बेल कर तैयार कर लेना है। सारी रोटियां हमने बेल कर तैयार कर ली है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। एक रोटी लेनी है, उस पर हमने जो कॉर्नफ्लोर और बटर का मिश्रण बनाया वो अच्छे से लगा लेना है। ये लगाने के बाद ऊपर थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देना है। ऊपर दूसरी रोटी रखकर हमें सेम प्रोसेस करनी है। इस तरह से बटर और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण लगा के सूखा मैदा छिड़क कर फिर से वो ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। इस तरह से जितनी भी हमने रोटी बनाई वो इसी तरह से असेंबल कर लेंगे। सारी रोटियों में लगा कर तैयार है। अब ये हमारी आखिरी रोटी है, उस पर भी अच्छे से हमें बटर लगा लेना है। ये लगाने के बाद इस पर भी सूखा मैदा छिड़क देना है। ये सब करने के बाद हमें अच्छे से इसका एक टाइट रोल बना लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूं। इस तरह से हमें टाइट रोल बना लेना है। ये करने के बाद हमें इसकी साइड्स कट कर लेनी है। साइड्स कट करने के बाद इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है।
डिवाइड करने के बाद इसको साइड में रख लेना है और ये एक पार्ट हमने ले लिया है, तो इस तरह से दबाकर सूखा मैदा लेकर इसको रोल कर लेना है। इसको इस तरह से राउंड शेप में बेल लेना है, फिर इसकी साइड्स कट करके हमें इसको स्क्वायर शेप दे देना है। अब इसकी साइड्स निकाल लेनी है। साइड्स निकालने के बाद एक चम्मच जितना सफिक रखना है और इसको फोल्ड कर देना है और इसकी साइड्स को इस तरह से दबा लेना है। इस तरह से इसकी साइड्स को दबा लेना है। इस तरह से सारे तैयार कर लेने हैं। हमने सारे पफ पैटीज बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने एक बेकिंग प्लेट ले ली है, उसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब ये पफ पैटीज उसमें रख देते हैं। ये पॉप पेटीज हमने प्लेट में रख दी है। 180 डिग्री पे हमने 5 मिनट प्री हीटेड रख कर दिया है अवन को। अब प्री हीटेड अवन में पर 21 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देते हैं। आलू पॉप पेटीज बेक होकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। अब हम सर्व कर लेते हैं। ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे आलू पॉप पेटीज। आप देख सकते हो कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। और कितने अच्छे इसके लेयर्स अलग हुए हैं आप देख सकते हो। तो तैयार है हमारे आलू पॉप पेटीज़।